हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। सबसे पहले व्हाइट बोर्ड में लिखा है भाई प्रोस्टेट ग्लैंड मजबूत कैसे करें और मेरा प्रोस्टेट ग्लैंड कैसे ठीक हुआ, कौन सी जड़ी बूटियाँ खाने में मेरे को फ़ायदा हुआ, वो चीज़ आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जिनको भी भाई लगता है कि मेरा प्रोस्टेट ग्लैंड कमज़ोर है और उनको बार बार पेशाब या पेट साफ ना होना और उनका जो नाइट वाला समस्या, जिनका नाइट फेल सपने से या बिना सपने से होता है ना भाई, तो यही होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड कमज़ोर हो जाता है। जब हम पेशाब करने जाते हैं उसके उसके साथ भी हमारा जो प्रोटीन निकलता रहता है, उससे क्या होगा, हमारे बॉडी से अगर किसी भी जरिए से हमारा प्रोटीन अगर निकल रहा है तो मनी निकल रहा है, तो उससे क्या होगा, हमारा पेनिस का साइज छोटा, पतला, तनाव, ये सब चीज़ ख़त्म तो हो ही जाएगा, ठीक है ना, धीरे धीरे करके। और उम्र बढ़ने के साथ साथ ये प्रॉब्लम होता रहता है, अगर गलत खान पियन है तो वो भी होता है, ये सब चीज़ समस्या। सबसे पहले प्रोस्टेट ग्लैंड, ये भाई प्रॉब्लम होता हमारे बचपन की गलतियों की वजह से, यहीं से ये सारा समस्या जो है जड़ यही है। और ये जो प्रॉब्लम है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक ना, यही होगा भाई, उनका पेट की समस्या रहेगा और हल्का सा भारी सामान उठा लेने पर या एक्सरसाइज कर लेने पर तो उनका हल्का कतरा पानी आ जाना और साइज छोटा हो जाना, तो ये लोग जान लो भाई उनका प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है, ठीक ना। उसके जो नब्ज़ है, जो नसें हैं, वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, जो कि हमारा जो प्रोस्टेट ग्लैंड कमज़ोर होता है ना भाई, तो हमारा मनी को जो वो प्रॉब्लम जब खड़ी हो जाता है उस सब चीज़ को झेल नहीं पाता। गरम चीज़ थोड़ा से भी खाओगे या गरम जड़ी बूटी इस्तेमाल करोगे, जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक ना, वो रोक के नहीं रख पाता भाई, वही समस्या इसमें भी है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई इनके कुछ अलग जड़ी बूटियाँ, कुछ चीज़ें हैं, ठीक ना, जो मैं खा के फील किया हूँ, कुछ चीज़ें हैं कि नहीं, तो ये सब सेम ही प्रॉब्लम है। प्रोस्टेट ग्लैंड कमज़ोर होने के बाद यही बात भाई, टाइमिंग वाइमिंग सब खराब हो जाता है। हम कुछ लोगों का कंडीशन ऐसा रहता है कि कम ज़्यादा होता है, किन्हीं किन्हीं लोगों को चिपचिपा पानी आता है, किन्हीं लोगों को नहीं आता, किन्हीं लोग नाइट वाला प्रॉब्लम रहता है, किन्हीं लोग कैसा होता है, तो यही प्रॉब्लम डिपेंड करता है भाई बचपन की गलतियों वजह से। और हमारा जब पेट, उस समय हमारा जब पेट साफ नहीं होगा ना, तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम बढ़ जाता है वहीं से। नहीं तो बहुत लोग कई कई साल तक हस्त मैथुन करते हैं, प्रॉब्लम नहीं आता है, फिर धीरे धीरे आता है, उनका पेट उस समय ख़राब नहीं होता। और जिनका उस समय अगर ये प्रॉब्लम हो जाता है ना भाई, उसी समय से परेशान होता है, हो जाते हैं, नाइट वाला प्रॉब्लम उनको ज़्यादा हो जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए भाई मैं जो चीज़ स्टार्ट किया था, वो चीज़ इसमें आप लोगों को बताने वाला हूँ। जो मैं खाया हूँ वही चीज़ बता रहा हूँ, और जो चीज़ें प्रॉब्लम के अनुसार है तो उसी को इसमें लिया हूँ। जो आप देख रहे हैं भाई जड़ी बूटियाँ, प्रॉब्लम के अनुसार लिया हूँ भाई। जो इसमें है प्रोस्टेट ग्लैंड, जिनको लगता है कि कमज़ोर हैं, उसको मजबूत करना है। हाँ, और मेरा कैसे ठीक है वो चीज़ बताऊँगा, कौन से जड़ी बूटियाँ मेरे को सबसे ज़्यादा फ़ायदा किए वो सब चीज़ बताऊँगा। ऐसा नहीं कि भाई मैं कुछ नहीं खाया और ऐसे ठीक हो गया, ना भाई, उससे पहले, ठीक ना, मैं स्टार्टिंग में क्या करता था वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला। देखो भाई, स्टार्टिंग में ये सब चीज़ खाया था, प्रॉब्लम है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक ना, इसको मजबूत करना है। तो है सतावर है, सफ़ेद मूसली है, अश्वगंधा है, लाजवंती है, छोटा घुघरू है, वेहमन सुर्ख है, शंख पुष्पी है, मुलाठी है, साला पंजा ब्लैक है, गोंद कतीरा है, इमली बीज है, रोमी मस्तगी है, जीवंती है, अतिबला है, और लोखंटी है, हर्रा है, केसर है 1 ग्राम, और ऊधा सोधा काढ़ा। जो पेट नहीं साफ होता ना भाई, अगर अच्छी भी जड़ी बूटी आप खाओगे ना भाई, तो आपका ये प्रॉब्लम और बढ़ा देगा, ठीक है ना कुछ प्रॉब्लम बढ़ा देता है अगर आपका पेट नहीं साफ है। और सबसे पहले जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करने से पहले आपको पेट साफ होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये नाइट वाला जो प्रॉब्लम जिनको है ना भाई, और जो भारी सामान उठाने पर है, तो ये लोग जान लो इनका पेट तो बिल्कुल नहीं साफ रहता। हाँ, बिल्कुल ही नहीं साफ रहता, नहीं तो ये समस्या, नाइट वाले समस्या ना, जो बिना सपने सो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अगर किसी कारणवश बढ़ गया है तो इसको कंट्रोल होगा जड़ी बूटियों से ही, ठीक ना। तो यही चीज़ है भाई, ये सब चीज़ मैं खाया हूँ, कुछ चीज़ें पिछले वीडियो में, कुछ जड़ी बूटियाँ हैं। तो भाई नॉर्मली चाहे आप जहाँ भी जाओगे वैद्य हकीम के पास, वो नॉर्मली चीज़ें, ठीक ना, नॉर्मली चीज़ें तो
हर एक जहाँ जाओगे वो जड़ी बूटियाँ मिलना है तो मिलना है सबके पास। तो यही चीज़ें हैं भाई, ये सब चीज़ को इस्तेमाल कर लो। सतावर है, जैसे आपके बॉडी में बहुत कमजोरियाँ हैं, ठीक ना, कमजोरियाँ हैं वो सब ठीक करेगा। सफ़ेद मूल्य, आप जो बोलते रहा तो साइज साइज छोटा पतला, ये है अश्वगंधा, लाजवंती, गाढ़ा करने में मदद करता है। छोटा गुखरू जो जिनको लगता है कि धात जैसे प्रॉब्लम है, हाँ, बॉडी में हीटनेस ज़्यादा है तो हीटनेस वीटनेस यही ख़त्म करता है। शंख पुष्पी है, जो मैं ये जो टिक लगाया हूँ शंख पुष्पी पर, शंख पुष्पी जिनको भी ताज़ी चीज़ मिल जाए भाई ना, शंख पुष्पी और या और कुछ चीज़ें तो उसको इस्तेमाल करते रहें। ये नहीं कि मैं खा रहे हैं, एक महीना खाया और काम नहीं कर रहा, बंद कर दे, नहीं यार नहीं फायदा कर रहा, छोड़ दिया, नहीं ऐसा नहीं भाई। ये शंख पुष्पी मैं साल 2 साल से खा रहा हूँ भाई, अभी भी खा रहा हूँ, ठीक ना, इसका इस्तेमाल शंख पुष्पी मैं अभी भी कर रहा हूँ। ये मेरे को जो है ना कतरा, जैसे फ़ोन पर बात कर रहे होगे या कुछ ऐसे चीज़ देखने पर आपका जो कतरा आ जाता है भाई, ये मेरा बहुत अच्छा सपोर्ट किया, और साइज के लिए, हाँ, साइज में बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। तो इसको आप अगर खेत में चीज़ें मिल रहा है तो इसको इस्तेमाल करो, इसको इस्तेमाल खाली प्रॉपर इसी को खाते रहोगे बहुत अच्छा। जैसे धात, हाँ, नाइट वाला प्रॉब्लम, अगर दिमाग कम हो रहा है, मतलब कि याददाश्त कम रहना, तो ये सब चीज़ें हीटनेस, बॉडी के हीटनेस भी ख़त्म करेगा, याददाश्त बढ़िया रखेगा, पेट भी साफ रखेगा, ऑलराउंडर, ठीक ना, ये समझ लो पूरे बॉडी में अच्छा काम करता है। जो मैं इसको खाया उसी को फील करके भाई भाई उसका फायदे बता रहा हूँ, इसका शंख पुष्पी का, ठीक ना। इसको तो जरूर अगर मिल जाए जिनको आसपास, खाते रहिए, नहीं कि 2-3 महीने खाएं छोड़ देना है भाई। मैं बहुत खाया, बहुत अभी भी खा रहा हूँ, 2 साल तो कन्फर्म हो ही गए हैं, ठीक ना, ये बहुत अच्छा काम किया है। और ये सब चीज़ें जीवांती, जैसे यूरिन इन्फेक्शन, हाँ, जिनको लोगों को प्रोस्टेट ग्लैंड जैसे पेशाब के जरिए से जाता है प्रोटीन, वो सब चीज़ रोकने में मदद करेगा। अति बला जैसे ताकत के लिए, हर्रा पेट के लिए, केसर, केसर भी हमारा अगर प्रोस्टेट ग्लैंड कमज़ोर है ना, तो भाई केसर भी बहुत अच्छा काम करता है। 1 ग्राम लेना है इनको सबको। अगर आपको कम मिल जाए, 50-50, 100-100 ग्राम, 100-100 ग्राम, 100-100 ग्राम से कम जो भी मिल जाए बराबर, अगर 100 50-50 ग्राम मिल रहा है तो 50-50 ग्राम ले लो, बराबर मात्रा में ले लो। अगर जिनको भी बढ़ाना चाहते हैं लाजवंती बढ़ा लें, अगर इनको 50-50 ग्राम करना चाहते हैं इसको 75 ग्राम कर लो। इसमें शिलाजीत नहीं है, शिलाजीत थोड़ा नुकसान करेगा इसमें, ठीक ना, क्योंकि ये वाला प्रॉब्लम जो प्रोस्टेट ग्लैंड वाला प्रॉब्लम है ना, इनको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। हल्का से भी लड़ाई दंगा होने पर, हाँ, लड़ाई दंगा होने पर उनका हाथ पैर कांपने लग जाएगा और कतरा से आ जाएगा, वही होता है भाई, जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड उसको रोक नहीं पाता, हड़बड़ाहट, हाँ, अंदर की हड़बड़ाहट, तनिक भी घबराहट पैदा हुआ वो निकलने लगेगा। ये सब चीज़ को ध्यान देना भाई, और ये सब चीज़ को ठीक करना है तो इतना जान लो खाली, ये नहीं कि खाली हमें प्रोस्टेट ग्लैंड को मजबूत करना है और मणि को गाढ़ा करना है, नहीं, जब तक हमारा बॉडी से एक एक कतरा दर्द, जो जो हमारा मसल्स ढीले पड़े हैं, मसल्स के लिए अश्वगंधा है, जो मसल्स ये जो ढीले मांस मांस जो हड्डी छोड़ रहा है, ये सब चीज़ ये फायदा करता है भाई, ठीक ना। इसको हम खा के बहुत इस्तेमाल कर चुके हैं, इस समय तो मैं भस्म में खा रहा हूँ। अगर जिनको भस्म कहीं से भी लेना है तो इतना जान लो, जब तक बॉडी में कमजोरियाँ हैं, बाल झड़ रहे हैं, आँख की प्रॉब्लम, चेहरे की प्रॉब्लम, ये सब चीज़ प्रॉब्लम जो भी है, कमर दर्द, हाथ पैर दर्द, हाथ पैर का अपना, अगर जब तक ये नहीं जाएगा ना, तो ये जान लो ये भस्म में उनको तो 100% नुकसान ही करेगा। और मेरे पास ये कमजोरियाँ बचा नहीं, 1% भी नहीं कमजोरी, इस वजह से मैं भस्म में मेरे को फ़ायदा कर रहा हूँ, नॉर्मली भस्म में, ज़्यादा महंगा नहीं, ठीक ना। और भाई पेट साफ होना बहुत ज़रूरी है, और प्रोस्टेट ग्लैंड को अगर कोई ठीक करना चाहते हैं, और जिनका काफ़ी ख़राब है, ठीक ना, काफ़ी ख़राब है, तो भाई कीगल एक्सरसाइज भी करोगे ना तो उनका प्रॉब्लम बढ़ेगा, क्योंकि अगर हमारे बॉडी से कतरा भी निकल रहा है ना, एक्सरसाइज कर रहा है, और एक्सरसाइज कीगल एक्सरसाइज करोगे ना भाई, बहुत लोग करोगे तो बहुत लोगों को हल्का कतरा सा आ जाएगा, वो खाली मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को सतर्क कर रहा हूँ। अगर कोई भी करना चाहता है, जिनको लग रहा है कि मेरा चिपचिपा पानी या बहुत देर में आता है या तो काफ़ी बेहतर महसूस करते हैं, तो एक्सरसाइज कर सकते हैं। और जिनको लगता है या थोड़ा से भारी सामान भी उठाने पर ना, जिनको भारी सामान भी उठाने पर निकल जाता है, तो वो लोग तो कीगल एक्सरसाइज ना करें भाई, पहले ये सब जड़ी बूटियाँ खाएं, अपना इंटरनल प्रॉब्लम जितना भी अंदर का कमजोरी है उसको पहले दूर करें, फिर जाके कीगल एक्सरसाइज करें। जो लोग का कंडीशन काफ़ी ख़राब है, हल्का सा भारी सामान उठाने पर
निकल जाता है उन लोगों के लिए है, अगर जिनको लग रहा है कि ये सब चीज़ भारी सामान है और कुछ चीज़ करने पर नहीं हो रहा है, कि गले एक्सरसाइज करें लेकिन कम करें, 5 मिनट, 5 मिनट ज़्यादा है। अगर इसको 10-15 मिनट कर रहा हो तो शुरुआती दौर में नहीं निकलेगा, 1 या 2 या 3 दिन, हफ्ता खंड तो नहीं ले, फिर इसके बाद वो आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा, हो सकता है, ठीक ना। इस वजह से जिन्हों लग रहा है कि भाई हाँ मैं कर सकता हूँ या मेरे करने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड जिनको मजबूत करना है तो ये, ठीक है ना, ये देख रहा हूँ ना, कीगल एक्सरसाइज कर सकते हो, कुछ वीडियो में पढ़ा है, नहीं तो यूट्यूब में सर्च कर लेना, नहीं तो वीडियो बना है प्रॉपर, उसको देख लो और उसको करो भाई। अगर जिनको भी नुकसान हो रहा है, जिनका कतरा निकल जा रहा है, तो उसको वहीं पर छोड़ दे भाई, तो इतना जान लो उनको प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है, और ये सब चीज़ें खाने के लिए बोला जाएगा, ये सब चीज़ें खाओ, हर्रा जैसे पेट जिनका पाचन खाना नहीं पचता उस सब चीज़ लिए होता है, अगर पेट नहीं साफ हो रहा तो भाई तो ये सब चीज़ प्रॉब्लम और बढ़ेगा। और इसमें है नाइट, जो लोग नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, नाइट में जो जगते हैं, हाँ, तो इतना जान लो भाई जो नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, तो भाई नाइट में अगर कर रहा हो ये सब चीज़ भी जड़ी बूटी खा रहा हो, तो उतना समझ लो उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा भाई, ना के बराबर, इतना जान लो। रात में अच्छा नींद ले और सुबह कुछ भी काम करो वो कर सकते हो, अगर ये प्रॉब्लम को ठीक करना है तो। और खान पियन भी ध्यान देना है, जैसे पुदीना नहीं खाना है और खट्टी चीज़ें नहीं खाना, चीनी नहीं खाना है, सोयाबीन नहीं खाना है, अल्कोहल, ये सब चीज़ों को अवॉइड करना है, नहीं खाना है, ठीक है ना। ना तो बाहरी चीज़ें, फास्ट फूड, ये सब चीज़ें खाना पीना नहीं है। जिनको खाना पीना है, अगर जिनको लग रहा है मेरा प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है, तो सब चीज़ परहेज करना पड़ेगा जब तक नहीं ठीक हो रहा है। और परहेज में यही है, जैसे नेनुआ, तरोई, भिंडी, लौकी, कद्दू, परवल, पालक जैसे हरी चीज़ें, और पालक भी जो लोग पालक या कच्चा खाने कोशिश कर रहे हैं भाई गर्म होता है, जिनको नाइट वाला प्रॉब्लम है, 1 या 2 पत्ती खाएं, नहीं दाल के साथ बना के खाएं। हाँ, मैं सब चीज़ कर चुका हूँ भाई, नुकसान पहुँचता है वो चीज़ बता रहा हूँ। तो भाई आप लोग को यही सतर्क करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि प्रोस्टेट ग्लैंड जिनका कमज़ोर है उनका कुछ अलग प्रॉब्लम, नहीं भाई, वही तो मेन है भाई, वही मेन है और वही सब जड़ी बूटियाँ चलेगा। लेकिन लोग ये बोलते हैं कि यार सोच रहे हैं कि मेरा प्रोस्टेट ग्लैंड कमज़ोर है, कुछ अलग प्रॉब्लम है मेरा, अलग प्रॉब्लम नहीं है, समझ लो सेम ही है, जड़ी बूटियाँ वही सब चलने वाला है, और थोड़ा बहुत फेर बदल होता है। हाँ, और जो चीज़ मैं खाएँ वो चीज़ तो बता ही दिया हूँ भाई, शंखपुष्पी जिसको मिले वो करें, केसर, हाँ, ये सब चीज़ों को प्रोस्टेट ग्लैंड को मजबूती मिलता है। और इसको ठीक करने के लिए नहीं कि आपको ये जड़ी बूटियाँ 1 महीना 2 महीना खा ली हैं ठीक हो गए, ना है, ये सब चीज़ को लंबे वक्त तक चलेगा भाई। जो मैं खाया हूँ इतने साल, जो कर रहा हूँ अभी भी जो कर रहा हूँ, वो सब चीज़ को मैं फील करके बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ऐसा कोई भी दे दे कुछ दे दें, अब बोले तो आप वीडियो में बोले तो थे वो जड़ी बूटियाँ खाने में खाया नहीं थी, वो ऐसा कुछ नहीं भाई, ये प्रॉब्लम को अगर ठीक करना है तो ये सब जड़ी बूटियाँ हमें नेचुरल तरीके से ठीक करेगा। जब तक प्रॉब्लम है, हाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये सब जड़ी बूटियाँ खाओगे तो ये लगेगा मेरे को काम नहीं कर रहा, ताज़ी चीज़ खाओगे, धीरे 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 खाते चले जाओगे, वो आपको फ़ायदा पहुँचना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, प्रॉब्लम के अनुसार होता भाई, जिनको कम प्रॉब्लम होता है उनको जल्दी कवर करता है, जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो लगता है यार दवा ही काम नहीं कर रहा, तो ऐसा नहीं भाई, कोई भी दवा किसी का अगर वो ताज़ी चीज़ दे रहा है भाई उसका दवा ख़राब नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है, हमारा अंदर इतनी कमजोरियाँ कि दवा खाने पर या हद से ज़्यादा गर्म चीज़ अगर वो बना के दे रहा जड़ी बूटियाँ, हमारा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, उसमें गर्म जड़ी बूटियाँ मिला है और हमें हमारा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो वो नुकसान ही पहुँचाएगा। जिनका कंडीशन ये वाला है प्रोस्टेट ग्लैंड वाले, तो समझ लो उन लोगों को है, अगर शहद की बनी चीज़ें भी खाएंगे ना तो उनको ये नुकसान करेगा। और वीडियो यहीं तक भाई, यहीं समाप्त करते हैं, ओके।